बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। इट्स मी योर मैथ्स टीचर। टुडे वी विल लर्न मोर अबाउट नंबर्स। द टॉपिक ऑफ टुडे इज प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। यस्टरडे वी हैव लर्न्ड अबाउट द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट नंबर्स। वी विल लर्न हाउ टू एक्सपेंड अ नंबर। What do we mean by expanding a number? Students, expansion means writing the place value of digits of a number and adding them. बच्चो, expansion में हम क्या करते हैं, हम digit की, कोई number दिया होगा उस digit की place value find करेंगे और उन सबको आपस में क्या कर देंगे, add कर देंगे। आप इस diagram में देखें, फोर्थ जो नंबर है वो हाईलाइट किया गया है कि जो रेड डिजिट्स हैं हमने इन सब के प्लेस वैल्यू बता ली है। सो इन द फर्स्ट एग्जांपल, फोर इज़ इन द वंस पोजीशन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट? इट इज़ फोर। इन द सेकंड एग्जांपल वी हैव टू टेल अबाउट द प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री। थ्री इज़ इन tenth position, tenth place. So the value of the digit is 30. In the fifth example, we have to tell about the place value of 9. It is 10,000 and we have to multiply 9 with 10,000, which is 90,000. Students, in the same way, you can tell the place value of 8, 7 and 5, which is highlighted in the examples. The place value of 8 is 100,000. The place value of 7 is millions. And the place value of 5 is 10 millions. Students, I told you what does expansion mean. Expansion of a number means writing the place value of digits of a number and adding them. बच्चों, पहली example में आप देखें 50,722, हमने इसको expand करना है। हमने कैसे expand किया? 50,000 plus 0 की place value है 1,000, 7 की प्लेस वैल्यू है 100s, 2 की प्लेस वैल्यू है 10s और लास्ट 2 की प्लेस वैल्यू है 1s. हमने इन सब को सेपरेटली प्लेस वैल्यूज के साथ ऐड कर दिया। 50,000 प्लस 700 प्लस 20 प्लस 2। आप सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, सेवन की प्लेस वैल्यू है 70,000, 3,000 प्लस 700 प्लस 90 प्लस 2। सो हम इसे कैसे राइट करेंगे? 73,792। इन द सेम वे आप ये बाकी एग्जांपल्स भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू एंड व्हाट इज़ द फेस वैल्यू? ईच डिजिट इन अ नंबर हैज़ अ प्लेस वैल्यू एंड अ फेस वैल्यू। इन द नंबर 4856, द डिजिट फोर इज़ इन द थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू, मीनिंग द प्लेस वैल्यू इज थाउजेंड्स एंड द नंबर यू सी 4 इज द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज 4 एंड प्लेस वैल्यू इज थाउजेंड्स। लुक एट द नंबर, व्हाट इज द प्लेस ऑफ वैल्यू ऑफ ईच डिजिट? सो स्टूडेंट्स, बाय प्लेस वैल्यू चार्ट यू कैन सी 2 लाइज इन 10 millions, 3 in millions, 4 in 100,000s, 1 in 10,000s, 2 in thousands,
4 in hundreds, 5 in tens and 8 in ones. So हम इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट्स? जो डिजिट 2 है वो 10 मिलियन प्लेस में है और उसकी फेस वैल्यू है 2 and it stands for 2 million and has a value of 2 followed by 7 zeros. 2 followed by 7 zeros. The digit 3 is in the millions place and has a face value of 3. It stands for 3 millions and has a value of 3 followed by 6 zeros. The digit 4 is in the 100,000s place. It stands for 400,000s as a face and a place value of 400,000s. So students, this is the you can expand the number as shown in the slide. 2 10 millions, 3 millions plus 4 100 millions, 400,000 plus 1,000, 10,000 plus 2,000 plus 400 plus 50 plus 8. Look at the number. Now we have to tell the place value of 7. हमने बताना है ये जो 7 है इसकी क्या प्लेस है. इसकी प्लेस है 100,000 और उसकी वैल्यू है 7 मल्टीप्लाइड बाय 100,000 विच इज 7 फॉलोड बाय 5 जीरोस. जीरो की क्या प्लेस वैल्यू होगी बच्चों? आप प्लेस वैल्यू चार्ट से देखें, 4 वंस में है, 6 टेंस में है और 0 हंड्रेड्स में है. बच्चों अब आपने पार्ट सी और पार्ट डी खुद प्रैक्टिस करनी है. क्या आपको पता है कि थाउजेंड्स प्लेस में कौन सा डिजिट है और उसकी क्या वैल्यू है? क्या आपको पता है टेन मिलियंस प्लेस में कौन सा डिजिट है और उसकी क्या वैल्यू है? वेरी गुड, यस यू कैन डू इट. द वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन द अबव एग्जाम्पल यू कैन सी 23, 961, 520. अरेंज द वैल्यूज डिजिट्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड टेल मी दैट द वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज 100,000. इज इट? It is false. What is the value of this number? Two 10 millions, 3 millions, 961,000, 520. So in the B part, 961 is equal to 961, 520,000. Is it true? No, it's false. The digit 5 stands for 500. Is it? Yes, student, it is at 100 place. Now you are able to solve these two slides. Allah Hafiz, students.